अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत सारे एफएल कोड जो है फ्री में देने वाला हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जो है एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एल्गो ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों मनी मैनेजमेंट जो है बहुत ही अहम पार्ट होता है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। अगर आप मनी मैनेजमेंट सही से नहीं करेंगे तो आपका अच्छी स्ट्रेटजी होने के बावजूद भी आप हमेशा लॉस में रहेंगे। तो पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है और इसको एल्गो ट्रेडिंग में कैसे मैनेज करते हैं। तो देखिए मनी मैनेजमेंट जो है, हम जो स्टॉप लॉस लेते हैं, टारगेट लेते हैं, तो हमको जो उससे प्रॉफिट या लॉस जो होता है, लॉस और प्रॉफिट को ही मैनेज करना जो है मनी मैनेजमेंट कहलाता है। अगर हम लॉस बड़े लेंगे और टारगेट जो है छोटे लेंगे तो ये एक अच्छा मनी मैनेजमेंट नहीं कहलाएगा और इससे हमारा जो है कैपिटल जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। तो अच्छे से मनी मैनेजमेंट करने के लिए हमको स्टॉप लॉस थोड़े लेंगे, छोटे छोटे लेने पड़ेंगे, और टारगेट जो है बड़े बड़े लेने पड़ेंगे, तब जाके जो है हम अच्छे से जो है मनी मैनेजमेंट कर पाएंगे। अब दोस्तों बात रही कि इसको मैनुअल कैसे करते हैं और जो है एल्गो में कैसे करते हैं। मैनुअल तो अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग करते होंगे तो आपको पता है कि कैसे करते हैं, लेकिन मैं एल्गो करता हूं तो मैं अपने एल्गो के बारे में बताता हूं। तो मैं अपने बैक टेस्टिंग फाइल पर चलता हूँ। देखिए दोस्तों ये जो है दिख रहा है 1/1/2023 से लेकर 30/9/2023, यानी कि एक दो महीने का डेटा नहीं है, ये पूरे 9 महीने का डेटा है। 9 महीने के डेटा में जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं 80,000 रुपये जो है प्रॉफिट हुआ है, 80,000 रुपये जो प्रॉफिट हुआ है। तो 80,000 रुपये जो प्रॉफिट हुआ है ये तो एक दो ट्रेड से नहीं हुआ है, यहाँ पे देखिए 141 ट्रेड हुए हैं। 141 ट्रेड में जो है 62 ट्रेड जो है लूज़र हैं और 79 ट्रेड जो है प्रॉफिट के हैं। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि 79 ट्रेड जो है प्रॉफिट में है, वो भी छोटे छोटे प्रॉफिट नहीं है, अपने जो है जो हमारा लॉस है, लॉस से बड़े बड़े जो है प्रॉफिट हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे जो है 816 का लॉस है, 836 का लॉस है, 1328 रुपये का लॉस है, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमको जो प्रॉफिट हो रहा है ये 1422 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 1446 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 2223 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों मैं आज का डेटा आपको दिखाता हूँ, 13/9/2023 का जो है आज 1411 रुपये प्रॉफिट हुआ है। मैं आपको अपने टर्मिनल में लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मुझे जो है ये 1821 रुपये जो है प्रॉफिट हुआ है। ये क्यों प्रॉफिट हुआ है कि मार्केट आज जो है गुरुवार था, गुरुवार के दिन जो है ऑप्शन जो है अगर बढ़ता है तो तेज़ी से जो है बढ़ता है, जिसके वजह से मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है। और मैं अपने बैक टेस्टिंग से मैच भी कराता हूँ कि इसमें कितने पे एंट्री आई थी और मेरे ऑर्डर बुक में कितना बजे की एंट्री दिख रहा है। देखिए ये 9:45 के कैंडल पे एंट्री आई थी और 10:25 वाले कैंडल, ये 5 मिनट का कैंडल होता है, तो 10:25 कैंडल में एग्जिट हुआ है। तो हम लोग जो है ऑर्डर में भी जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे एंट्री जो मेरी आई थी 9:47 पे एंट्री आई थी, यानी कि 9:45 वाले कैंडल पे, और एग्जिट कितने पे हुआ है 10:28, यानी कि 10:25 वाले कैंडल पे जो है एग्जिट हुआ है। तो दोस्तों एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जो हमारा एलाइस ब्लू में एंट्री है और बैक टेस्टिंग में ये डेटा जो है दोनों सेम है। दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि जनवरी महीने से लेकर अब तक जो है कैसे कैसे जो है प्रॉफिट किस तरह से हुए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं कि एक दिन लॉस हो रहा है, दो दिन लॉस रहा है, लेकिन तीसरे दिन जो है बड़ा प्रॉफिट मिल जा रहा है। एक दिन लॉस हो रहा है, दूसरे दिन जो है प्रॉफिट मिल जा रहा है।
दो 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 चार चार दिन जो है देखिए साथ लगातार जो है प्रॉफिट हुआ है, दो तीन दिन लगातार लॉस भी हुआ है, चार पाँच दिन जो है प्रॉफिट भी हुआ है। इस तरह से जो है हमारा प्रॉफिट लॉस होता है, हो रहा है। जैसे कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में आप ध्यान देते होंगे कि जो हमारा रिजल्ट होता है ना वो चार टाइप का होता है। जैसे कि एक तो बड़ा प्रॉफिट बड़ा लॉस हो गया और छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस हो गया। तो दोस्तों हमको जब मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं तो मैनुअल ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये फेस करना होता है कि हमारे कुछ गलतियों की वजह से बड़ा लॉस हो जाता है, बड़ा लॉस के वजह से हमारा जो प्रॉफिट होता है ना वो गायब हो जाता है। लेकिन जब हम एल्गो ट्रेडिंग करते हैं तो वो बड़ा लॉस नहीं होता है, क्योंकि एल्गो जो है अपने कंडीशन पे जो है बाई सेल करता है, जिसके वजह से ना ओवर ट्रेडिंग होती है ना हम कभी मिसमैच मनी मैनेजमेंट करते हैं, जिसके वजह से जो है बड़ा लॉस आने के चांसेस कम हो जाते हैं। और आप भी सुना होगा, बहुत सारे लोग भी यही बोलते हैं कि हम अगर बड़े लॉस को घटा देंगे तो हमारा जो लॉस होता है, बड़ा प्रॉफिट होता है छोटा प्रॉफिट होता है, ये मिलके जो है हमको वीकली मंथली ईयरली बेस पे जो है अच्छा प्रॉफिट दिखा सकता है दिला सकता है। तो दोस्तों अगर हम इस तरह से जो है मनी मैनेजमेंट करेंगे तो हमको जो है अच्छा जो है हमारा वीक या फिर महीना या फिर ईयर जो है निकल सकता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि हमको मनी मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों। देखिए हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं ना, ये बिजनेस पैसों का ही है, और पैसा ही हम मैनेज नहीं कर पाएंगे करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए पैसों को मैनेज करना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो दोस्तों किसी भी हाल में हम स्ट्रेटजी कोई सा भी यूज करें, लेकिन हमारा साइकोलॉजी अगर मनी मैनेजमेंट सही रहेगा तो हम जो है ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं कर पाएंगे। अगर स्ट्रेटजी थोड़ी अच्छी रहेगी तो जो है हम कुछ ना कुछ जो है पैसा उससे कमा सकते हैं। तो इसलिए जो है मनी मैनेजमेंट जो है बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि मैनुअल ट्रेडिंग करने में मनी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम फेस क्यों करना पड़ता है। दोस्तों मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि मैनुअल में जब हम मनी मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर हम इसके अपेक्षा कि हम एल्गो ट्रेडिंग करें। देखिए एल्गो ट्रेडिंग में ना दो डबल सिक्योरिटी रहती है, एक तो हम जो है स्ट्रेटजी वाइज जो है यहाँ पे सिक्योरिटी लगा देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक दिन में जो है मेरा एक ही सिग्नल आएगा, तो एक ही सिग्नल आएगा तो इससे हमको पता है कि हमारा जो है लॉस कितना है, एक दिन का कितना लॉस लिमिट है, तो उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो ये कि ये हो गया, अगर किसी कारण अगर लॉस भी बड़ा हो जाता है तो हमारे एपीआई ब्रिज में जो है एक फैसिलिटी दिया रहता है, हम अपने ब्रिज में कितना मैक्सिमम लॉस लेना है कितना प्रॉफिट लेना है अगर हम ये सेटिंग कर देंगे, तो जैसे ही अगर लिमिट से ज़्यादा लॉस होगा तो हमारे एपीआई ब्रिज सारे पोजीशन को एग्जिट कर देगा और खुद भी बंद हो जाएगा। अब नया ट्रेड न आ सकता है न जा सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसके वजह से जो है हमको डबल सिक्योरिटी मिलती है कि हम जो है बड़ा लॉस नहीं लें, मतलब बड़ा लॉस नहीं हो पाता है। तो हम जो मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा कोई लिमिटर कोई हमको वो अपने इमोशन को ही कंट्रोल करना पड़ता है कि बड़ा लॉस ना हो, अगर इमोशनल कंट्रोल नहीं तो बड़ा लॉस हो ही जाते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे क्या है कि हमको डबल सिक्योरिटी मिलती है, एक तो एमई ब्रोकर रोक देता है और दूसरा अपना जो एपीआई ब्रिज होता है वो रोक देता है कि आपको अब बस ट्रेडिंग नहीं करना है, जिसके वजह से हम ओवर ट्रेडिंग भी नहीं कर पाते हैं और अगर हम लॉट को बढ़ाना घटाना चाहे तो भी नहीं हो सकता, यानी कि जो हमने इस लॉस को सेट कर दिया उस लॉस से ज़्यादा जो है वो उस लॉस के लिमिट से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों ये सब जो है हमको एल्गो ट्रेडिंग करने से फ़ायदे होते हैं। दोस्तों ये सब जो है एल्गो ट्रेडिंग करने से फ़ायदे होते हैं कि हमारा जो मनी मैनेजमेंट जो है सही से हो पाता है और हम ट्रेडिंग में अच्छा फोकस कर सकते हैं। और दूसरी बात कि हम बैक टेस्ट करके एक अच्छा रिजल्ट भी जान लेते हैं तो हमको अपने सेटअप पे और कॉन्फिडेंस
बढ़ जाता है और हम उसको अच्छे से फॉलो कर पाते हैं। और जब तक हमको अपने स्ट्रेटजी पे भरोसा नहीं होता है, तब तक जो है हम उस स्ट्रेटजी को अच्छे से यूज नहीं कर सकते। और अब विश्वास तभी होगा जब आप जो है महीना, 2 महीना, 6 महीना का जो है डेटा एक साथ देखेंगे, उसको जो है बैक टेस्ट करेंगे, तब जाके आपका जो है विश्वास जमेगा। और यही जो है मैनुअल में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि हम जो है बैक टेस्ट ही नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे तो मिनटों में बैक टेस्ट हो जाता है, हम 1, 6, 8 महीना, 9 महीना, 1 साल, उससे भी ज़्यादा का जो है डेटा बैक टेस्ट करके रिजल्ट जान जाते हैं और हम उसके ऊपर विश्वास कर पाते हैं। दोस्तों यही था हमको आप लोगों को बताना कि एल्गो ट्रेडिंग में जो है मनी मैनेजमेंट कितने आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके जो है कमेंट कीजिए। कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछिए, और या फिर किसी और एल्गो को ऊपर जो है किसी प्रकार का जो वीडियो बनाना है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो जो है प्रोवाइड करूँगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।